किसान भाइयों नमस्कार। YouTube और Facebook पेज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, विशाल भाई के जो हैं दूसरे चक पर आ गए। ये जो है गांव के बिल्कुल पास में, मतलब बैक साइड में है, और खेत जो है थोड़ी सी जानकारी लेंगे कौन सा बीज है। भैया ये वाला जो है कौन सा बीज है? 16202 जी। 16202 जी। खेत गारा सी हो रही, बाहर को आ जाओ एकदम। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसकी बुआई आपने कब करी थी इसकी? जी हाँ जी, हो गई कोई 15 मार्च के आसपास। 15 मार्च के आसपास। तो इसमें आपने 30 इंची पे बुआई कर रखी। हाँ जी, 30। फिर 8-9 खूर छोड़ के फिर एक खूर छोड़ रखा। डोल की तरफ तो 6 ले रखे जी। अच्छा, मतलब डोल से लगा के तो आपने 6 बो रखे। हाँ, उसके बाद छोड़ने के बाद 12 कर रखे। फिर 12, तो मतलब वो 6-6 का सेट बन जाएगा, जैसे स्प्रे वगैरह करेंगे। खाद डाल लोगे जब भी एक तरफ से फेंक दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आप पहले पिछले से पिछले साल आपने मुझे लगे सिंगल लाइन ट्रेंच बोया था, है ना? तो वो क्यों छोड़ दिया? नहीं, वो भी बढ़िया है जी, जो भी बो को देखा जी इस बार। अच्छा भाई, एवरेज में क्या फर्क आया, क्या नहीं? जी जी, क्योंकि ट्रेंच पहली बार बोया था ना पिछले साल। ठीक है, जब बोया था तो कैसा उत्पादन रहा? बढ़िया रहा जी, साध्य से तो बढ़िया जी। तो जी लगा था? जी लगा था जी, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसा तो नहीं उससे परेशान हो गए? नहीं नहीं, वो ही ज्यादा बढ़िया था जी। अच्छा, छोलने में भी दिक्कत नहीं होती, मतलब उसमें जी भी लगा था? हाँ जी लगा था जी। जी जी, यानी जैसे आपके पास में सारे एम्प्लीमेंट हैं। अब मैं देख रहा, यही बात मैंने वहां भी महसूस करी, यहाँ भी करी, पेड्डी पे तो मिट्टी वगैरह चढ़ा दी चर से। अब यहाँ ये सब फिर सद्दे होगी भाई, एक तरह से सद्दे मानो ट्रायल है जी। अगर यो एवरेज नहीं देने का तो फिर उसे ही बोंगे, बस फिर वो परमानेंट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात जैसे यहाँ आ गई खेत में, और बीज है 16201, तो इसके बारे में डिटेल से बताओ कैसा बीज? बढ़िया बीज है जी, कोई दिक्कत ना। 38 की बिल्कुल कॉपी है, सेम देखने में, लेकिन मोटाई कुछ ज्यादा है, बियांत बहुत ज्यादा करे उसके मुकाबले। अच्छा, मतलब पहला पानी देने के बाद ही बियांत स्टार्ट हो जाए जी, बस तो शुरू में। हाँ, शुरू से हटो बचो हो जाओ, हटो बचो हो जाओ शुरू से। और थोड़ा सा अगर किसान जागरूक हो तो अच्छा उत्पादन ले सके। अच्छा उत्पादन। तो इसमें कौन सी बीमारी खास ज्यादा आती है? इसमें फंगस आवे जी ज्यादातर शुरू में, फंगस। तो टॉप बोरर बन जाओ उससे, टॉप बोरर बाद में बन जा, अगर आप स्प्रे मार दोगे तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो फंगस में जो है, अच्छा हाँ मैं गलत बोल गया, टॉप बोरर तो तितली से आओगा, तितली से, वो अलग चीज है, फंगस का अलग है। तो फंगस की क्या पहचान है, क्या महसूस हो जाए इसमें देख के? इसमें देख के हो जाएगा जी, गोभ के पत्ते में आपने देखा हो, छेक छेक से हो जा। अच्छा, ऊपर में? हाँ, टॉप में। हाँ, ऐसा हो जाए जैसे एंठा सा लेके छोड़ दे किसी चीज। ठीक 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 ठीक। तो इससे, इसके फंगस के लिए कौन सी दवाई का यूज करो आप ज्यादातर? नई नई कंपनियों कर लें जी, एक तो एरीज है, नेस्टी है, अडामा। अच्छा, है जी, महीने के 3 का प्रयोग ज्यादा करें। अच्छा, तो ये जो दवाई कंपनी है ये विश्वसनीय दवाई है? बढ़िया, कोई दिक्कत ना, टॉप रिजल्ट। तो मतलब अगर जो इनका पैसा जा रहा है तो इनका रिजल्ट भी है? हाँ, रिजल्ट है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई ऐसी दवाई हो आपके मन में जो फंगस आ रही हो और किसान भाई उस दवाई का यूज करके फंगस से बच जा? पिस्तौल है जी, पिस्तौल नेस्टी कंपनी की, नेस्टी, चाहे हमारे पास से ले लो, चाहे अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है वहां से ले लो। अच्छा, तो इसकी दवाई का मतलब आप पे डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब दवाई भी मिलेगी आपके पास में? फुल गारंटी से असर करेगी जी, नेस्टी की। और ये जो इसकी है, मतलब एक बाल्टी का भी आप जिक्र कर रहे थे, जाइम का ब्रांड का जी? जी, जाइम की बाल्टी का, विलो वुड का, विलो वुड का, विलो वुड, वो उसका जाइम है जी। वो तो मिट्टी चढ़ाने में गिरेगा जी। तो उसका क्या रिजल्ट है? वो गन्ने को मोटा कराया जी, ध्यान रखे, दम रखे गन्ने में। जी जी जी। तो उसका भी मतलब अच्छा, वो तो उसका मान लो बीघे में क्या मात्रा पड़ेगी? बीघे में गिर जाएगा जी वो, 3 किलो, 3.5 किलो। अच्छा, 1 बीघे में। और जैसा मेरठ जिले में जो है 1008 गज का बीघा है, 843 बढ़ा लो थोड़ा सा, आधा किलो या 1 किलो? नहीं, आधा किलो बढ़ा लो। आधा किलो बढ़ा लो, बिल्कुल। मतलब एक बाल्टी जो है वो 2 एकड़ में होगी। ठीक है जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो जो कोई भाई जानकारी लेना चाहे, कोई मोबाइल नंबर है ऐसा जो मिल सके? हाँ बिल्कुल जी, बता दो। 24 घंटे अवेलेबल है, 9808008360 जी। तो ये नंबर आप सुबह से, मतलब किस टाइम से कहो, मैं वीडियो में उसी तरह की बात बताऊंगा कि मतलब किस टाइम से, सुबह किस टाइम से 7 बजे से शाम को 7 बजे तक। अच्छा, मतलब सुबह 7-8 से शाम के 7-8 तक। तो किसान भाइयों जैसे भैया ने जानकारी दी है, सुबह 7 बजे से 8 बजे से रात के 7-8 बजे तक आप इनसे फोन पर जानकारी ले सकते हैं।
और ये मुजफ्फरनगर में गांव पड़ेगा चांदपुर, हाँ जी और चांदपुर में है मतलब ये मखियाली जो पड़ता है उसके बिल्कुल बैक में गांव है, हाँ जी और भाई का नाम मैंने बता ही दिया था, विशाल ठाकरान है। तो इनके पास से आप दवाई भी ले सकते हैं और इनके पास से आप नई नई किस्मों के बीज भी ले सकते हैं। किसी का कोई खेत बिगड़ रहा हो जानकारी भी ले सके। बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल किसान भाई जो है किसान की सपोर्ट के लिए मतलब हर तरीके से तैयार है, तैयार है जी, बहुत बढ़िया। कोई और बीज देखो बदलना चाह रहा हो, कोई नई वैरायटी लगाना चाह रहा हो। जी, तो किसान भाइयों मैंने पिछली वीडियो में जो है इनके परले चक पे सारे बीज की भी वैरायटी के बारे में बताया है। धूप काफी हो रही है, किसान भाई ने हमें इतनी कड़ी धूप में इतना जबरदस्त समय दिया, उसके लिए हम किसान भाई का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, नमस्कार। नमस्कार।